दोस्त, जब कोई आदमी पहली बार कंप्यूटर चलाता है तो उसके मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि कीबोर्ड में अल्फाबेट इधर उधर होने की बजाय क्रमबद्ध तरीके से क्यों नहीं लिखा गया। दोस्तों, गजब की नॉलेज देंगे, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल कीबोर्ड का इतिहास टाइपराइटर से जुड़ा हुआ है। यह कंप्यूटर के पहले से ही क्वाटी फॉर्मेट में चला आ रहा है और साल 1868 में जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था तो इसे पहले ABCD फॉर्मेट में बनाया ही गया था, लेकिन जितनी आसानी और तेजी की उम्मीद की गई थी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ लेटर्स जिनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती रहती है, जैसे EISM, और कुछ लेटर्स ऐसे जिनकी जरूरत हमें कम ही पड़ती है, जैसे X और Z, ऐसे में ज्यादा यूज में आने वाले लेटर्स लिखने के लिए उंगली को पूरे कीबोर्ड पर घुमाना पड़ता था तो टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाती थी। इसलिए कई नाकाम एक्सपेरिमेंट होने के बाद 1874 के दशक में आया क्वाटी फॉर्मेट, इसमें सभी अक्षरों को उंगलियों की पहुंच तक रखा गया।